में ना रहे, लेकिन देखिए कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा है, तो कोई बाय रोड, बाय बस, बाय ऑटो किसी तरह से अयोध्या पहुंच गया है। और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उमड़ी भीड़ का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या के ऊपर उड़ रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का यह हेलीकॉप्टर इस वक्त राम मंदिर के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ एरियल सर्वे कर रहे हैं। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं अयोध्या के काफी नजदीक है ये हेलीकॉप्टर, सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। सीएम योगी भीड़ का जायजा ले रहे हैं, भीड़ की मैनेजमेंट देखने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त पहुंचे हैं अयोध्या। लगातार राम मंदिर परिसर के ऊपर सीएम का ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, भीड़ ज्यादा है, प्रशासन जमीन पर व्यवस्था को संभाले हुए है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर भी तमाम इंतजाम पर है। केबी शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। केबी, भीड़ बहुत ज्यादा है, अनुमान से तो कहीं ज्यादा भीड़ पहुंच गई है अयोध्या नगरी। कपाट खुलने के दूसरे ही दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे, शायद ही अनुमान लगाया गया हो। प्रशासन जमीन पर, वहीं शासन एरियल सर्वे करता हुआ। जी, शासन प्रशासन को ये कल्पना भी नहीं थी कि यार रामलला के दर्शन से पहले ही दिन, यानी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, जो दूसरे दिन इतने श्रद्धालु अयोध्या पहुंच जाएंगे। सीएम योगी मैनेजमेंट, जो भीड़ मैनेजमेंट है, उसका खुद जायजा लेने के लिए वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या को उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। खुद काफी जमीन के नीचे का हेलीकॉप्टर आया और रामलला जो परिसर है उसका कम से कम चार चक्कर का भ्रमण किया है और कितनी भीड़ है इसका जायजा लिया। तो कुल मिला के ये माना जा रहा है कि कम से कम 5 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या मौजूद है। माना आया, सरकारी हवाले से सूत्र बता रहे हैं कि 2 बजे तक 2.5 लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं और 5 से 7 लाख दर्शन करेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि ट्रस्ट से अपील की गई है कि दर्शन का समय बढ़ाया जाए ताकि 7 बजे के बाद भी रामलला श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंचे हैं उनको दर्शन कराया जा रहा है। फिलहाल अयोध्या में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, किस तरह से श्रद्धालु निकल रहे हैं अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पड़ोसी जनपद तक श्रद्धालु पहुंचे थे, उसके बाद जो पैदल या किसी वाहन से वो अयोध्या पहुंचे। बिल्कुल, केबी हमने देखा प्रशासन ने पहले ही ऐसी कोशिशें की थी कि अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा ना उमड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत अनुमान तो था कि लोग आना चाह रहे होंगे और आ भी रहे होंगे। लेकिन श्रद्धालुओं से जो आपने बात की, कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो हफ्ते भर पहले से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, कुछ पैदल रास्ते से होते हुए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पैदल चलते हुए साइकिल चलाते हुए पहुंच गए हैं। अयोध्या नगरी अगर भौगोलिक देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी ये नगरी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा ये शहर नहीं है और वहां लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं। कहां ठहरे हैं ये सभी लोग, किस तरह से इनका खाना पीना हो रहा है, किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है, यानी कि इंतजाम तो इतने हैं कि ये सभी अच्छे से रह रहे हैं। देखिए, जिला प्रशासन को उस समय ही यह नजर लगा चाहिए था जिस समय प्राण प्रतिष्ठा रही थी और राम की पगड़ी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे। उस समय भी प्रशासन अंदाज नहीं लगा पाया कि ये श्रद्धालु कहां से हैं। हालांकि अयोध्या में राम भद्राचार की कथा भी चल रही थी, वहां भी श्रद्धालु मौजूद थे और कुछ श्रद्धालु एक हफ्ते पहले जाकर वो जो धर्मशालाएं हैं वहां ठहरे हुए थे। जगह जगह खूब जो धर्मशालाएं हैं, जो मंदिरों के धर्मशाला वहां ठहरे हुए थे। प्रशासन ये अनुमान नहीं लगा पाया कि ये धर्मशालाओं में इतने श्रद्धालु ठहरे हुए हैं। खासकर जो पड़ोसी जनपद है, चाहे गोंडा हो, बस्ती हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर अमेठी हो, इन सब पड़ोसी जनपदों की सीमाओं पर श्रद्धालु बैठे हुए थे। पड़ोसी जनपद के आला अधिकारी भी इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि उनके जनपद में भी श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं। वहां भी उनको नहीं रोका गया और श्रद्धालु धीरे धीरे ग्रामीण रास्तों से पगडंडियों पर चलते हुए, पैदल चलते हुए, साइकिल चलते हुए अयोध्या धाम तक पहुंच गए और आज प्रशासन का क्या कहना है, जितनी बड़ी तादाद में लोग अब भी रह गए हैं दर्शन से, क्या वो सभी आज दर्शन कर पाएंगे अगर वक्त बढ़ा दिया जाए तब भी, या फिर कुछ को कल के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, जिला प्रशासन से अपील कर रहा है, हमें हमारे कमिश्नर गौरव दयाल से बात हुई, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से बात की जा रही है कि समय बढ़ाया जाए ताकि जो श्रद्धालु अयोध्या आ गए हैं उनको दर्शन करा जाए। अगर समय नहीं बढ़ाया गया तो श्रद्धालु को वापस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग जन्मभूमि पथ पर पहुंच गए हैं, जो राम पथ पर भरे पड़े हुए हैं, उनको वापस लौटाना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्रशासन की यही कोशिश होगी, वो ट्रस्ट से अपील करे कि दर्शन का समय बढ़ाया जाए, चाहे 10, 11, 12 बजे रात तक दर्शन करें। अगर 12 बजे तक रात तक दर्शन खुला रहता है तो भी श्रद्धालु वहां से हटने वाले नहीं है। इसलिए ट्रस्ट से अपील की जा रही है कि दर्शन का समय बढ़ाए ताकि आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर सके, क्योंकि जन्मभूमि पथ से और राम पथ से इनको हटाना प्रशासन के लिए चुनौती होगा, बहुत बड़ी चुनौती इनके लिए होगी वाकई। और जो सब्र अभी तक राम भक्तों ने दिखाया है, उस सब्र को देखते हुए लग रहा है कि अगर रात 12 बजे तक भी
दर्शन का वक्त बढ़ा दिया जाए तो ये इस ठंड में इसी तरह खड़े रहेंगे भूखे प्यासे, लेकिन बिना दर्शन के लौटेंगे नहीं ये श्रद्धालु। के भी आप बने रहे हमारे साथ, निमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। निमेश, आपके पास आना चाहूंगी, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, 3 लाख की संख्या बताई जा रही है जिन्होंने सुबह से अभी तक दर्शन कर लिया है, और अभी भी लगभग 3 लाख लोग हैं जिन्हें दर्शन करना बाकी है। आपसे जानना चाहते हैं, एक और सवाल है कि क्या जो सभी VIPs आए थे, सभी जो स्पेशल मेहमान आए थे, वो अयोध्या से लौट चुके हैं या अभी उनमें भी लोग हैं यहाँ? निमिष, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है जी। सभी VIPs अयोध्या से जा चुके, रवाना हो चुके हैं या अभी VIPs भी हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि वक्त बढ़ाने को लेकर आपके पास क्या खबर है दर्शन का वक्त? देखिए, VIP की अगर बात किया जाए तो मोस्टली अधिकांश लोग कल प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन दर्शन अवधि बढ़ाने की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी आज दर्शन अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि अमूमन सुबह 7 से और 11 दोपहर 2 बजे से और शाम 7 बजे तक रामलला का दर्शन होता है। आज 11 बजे जब दर्शन बंद हुआ तो मात्र भगवान की आरती और भोग के लिए, और उसके पश्चात फिर दर्शन खोल दिया गया, और तब से यह क्रम दर्शन का जारी है। और जिस तरीके की भीड़, जिस तरीके से राम भक्तों का सैलाब उमड़ा है, इसको देख कर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अब जिला प्रशासन इस संख्या, बढ़ती संख्या को देखते हुए रामलला के दर्शन अवधि में शाम को भी कोई विस्तार करे, क्योंकि जहां मौजूद है लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, और ये कतार राम जन्मभूमि पथ पर है, यहां से 800 मीटर दूर ये पथ शुरू होता है, और जिस जगह मौजूद है इससे 150 मीटर आगे रामलला के दर्शन में प्रांगण में जाना होता है, और ये लाइन आपको दिख रही होगी, एक बार में लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं इसको बनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से आज राम भक्तों का जनसैलाब हुआ, सुबह 3 बजे यानी भोर 3 बजे से ही राम भक्त यहाँ पहुँचे हैं दर्शन करके, और बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं, स्नान करने के पश्चात जब लाइन में लगे, और ये क्रम अनवरत चालू है। जिला प्रशासन को ये अनुमान था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन इस तरीके के आस्था का सैलाब उमड़ेगा इसका कोई किसी को भान नहीं था, शायद यही वजह है। बिल्कुल बिल्कुल निमेश, आप दिखा रहे हैं, आपके कैमरे के जरिए हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि ये कतार लंबी है, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लंबी कतार देखने को मिल रही है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक तो लोगों की ये कतार दिख रही है, और परिसर के अंदर भी लोग भरे हुए हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद है। और इन लोगों से भी बात कीजिए, जो लोग, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी बात कीजिए कि वो दर्शन के लिए क्या अगर रात 12 बजे तक इंतजार करना पड़े तो 12 बजे तक इंतजार करेंगे? आज बिल्कुल हम प्रयास करेंगे जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं वो कहां से आए हैं और क्या कहां से आए हैं, कहां से? बिहार से। दर्शन के लिए अभी कितने देर से लाइन में लगे हैं? क्या कितनी देर से लाइन? लगभग 3 घंटे से। और अगर लगा रहना पड़ा अभी और इंतजार? लगेंगे हम जितना समय लगे, दर्शन करने आए हैं, बहुत खुशी की बात, उत्साह है मेरे लिए। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब जलंधर से हूँ। कितनी देर से लाइन में है? मुझे 3 घंटे हो चुके लाइन में। और अभी ये लंबी लाइन है? कोई बात नहीं, और जितनी मर्जी लंबी लाइन लग जाए हम लामेला से मिलके जाएंगे। आप कहाँ से हैं? बिहार से। कितनी देर से लाइन में लगे हैं? बहुत देर से लगे हैं। अभी और लंबी लाइन है ये? अब पीछे तो बहुत लंबी है, अभी आगे भी लंबी है, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो करना पड़ेगा। देखा आपने, ये 3 घंटे से लोग लाइन में लगे हैं, और इनका नंबर अभी ये कहा जा सकता है कि हम लोग आधी दूरी पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी आप कहाँ से हैं? हम पश्चिम बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से। दर्शन किया आपने? हाँ जी सर। कैसा रहा? अरे बाप रे, बहुत अच्छा, इतना सुंदर कि सारा वर्ल्ड में ये ऐसा पिक्चर, ऐसा मंदिर, ऐसा भगवा रंग का मंदिर कोई जगह नहीं बना सर। आपने कितनी देर लाइन में लगते दर्शन? हाँ जी सर। कितनी देर से लाइन में लगे? हाँ लाइन में लाइन लगा था 2 बजे, और हम अभी निकल के आए हैं सर। अरे बाप रे, बहुत जय श्री राम। मनीष सिंह छत्तीसगढ़ से। बहुत ऐतिहासिक दिन है, प्रभु का दर्शन हुआ, जीवन धन्य हो गया, चाहे जितनी देर लाइन में लगना पड़ा, चाहे जितनी देर। ये आप अनुमान लगाइए कि श्रद्धा क्या है? आपको निमिश इनसे ये भी पूछे कि क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि आज इतनी भीड़ होगी और दिक्कत हो सकती है, ये अंदाजा उन्हें था या नहीं था? बिल्कुल, राम भक्तों को तो ये इस बात का भान था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और इतनी देर लाइन में लगना पड़ सकता है,
मैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? भिंडलाल। आप लोगों को अंदाजा था कि आपको इतना लाइन लगाना पड़ेगा, इतना देर? नहीं था। आप कहाँ से हैं? हम अथनी से हैं। इतनी देर भीड़ लगानी पड़ी, अंदाजा था? नहीं। आप और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये आपने आपको अंदाज था कि आप इतनी देर लाइन? देखिए, 500 वर्ष का जो लंबा संघर्ष था वो अब समाप्त हुआ। शायद यही वजह है कि लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। चारों तरफ आपको राम धुन ही नजर आ रही है, वो मठ मंदिर हो या चौक चौराहे हो, हर तरफ जहां आपकी आंखें जाएंगी राम भक्त ही नजर आएंगे। माथे पे जय श्री राम और मुख में जय जय श्री राम। आप कहाँ से महाराज जी? हम जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आपको ये अंदाज था कि आज आपको दर्शन के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बिल्कुल जी, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है तो जरूर होना था। और 16 सिंहासन मेरे राम विराजे, 16 सिंहासन मेरे राम विराजे, तंबू से महलों में आ गए भगवाधारी छा गए राम तम भगवा छाधारी छा गए। देखिए, जो इधर इस तरफ जो लोग हैं वो दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है क्योंकि क्राउड एक जगह मैनेज ना हो, एक जगह इकट्ठी ना हो, इस वजह से दर्शनार्थी करके दर्शन करके निकल रहे हैं। और ये वो उत्साह है जो दर्शक। आप लोगों ने दर्शन किया? हाँ, उड़ीसा से आया हूँ। आज कैसा लगा राम? बहुत अच्छा लगा। दर्शन करके एकदम बहुत सही, अच्छी व्यवस्था है। अंदर भीड़ जरूर है बट वहाँ सिस्टम से दर्शन करवाया जा रहा है, आनंद से दर्शन मिल रहा है। जय जय श्री राम। आप लोगों को अंदाजा था कि इतना देर इंतजार करना पड़ेगा आज दर्शन के लिए? नहीं, हमको ये अंदाजा नहीं था, मगर हम धैर्य बनाए रखे और भीड़ थी, भीड़ से घबराना नहीं है, सब लोग धैर्य बनाए। और जैसे कानून व्यवस्थाएं कैसी है अंदर? बहुत अच्छी, दर्शन बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, अंदर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। थोड़ा इधर असुविधा है, उसके लिए हमको भी परिश्रम करना पड़ा है। कितनी देर लाइन में लगे थे आप? हम लमसम 1 से 2 घंटे। देखा आप, ये उत्साह है लोगों का, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद चेहरे पर वो प्रसन्नता, आराध्य के बिल्कुल निमेश, धैर्य भी रखना पड़ा, परिश्रम भी करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद देखिए जो परिणाम निकला, उसके बाद सबके जुबान से एक ही बात निकल रही है कि बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत अनुभूति मिली है। मंदिर में एक बार रामलला के दर्शन हो गए, भीड़ है लेकिन व्यवस्था भी है। ये जो दर्शन करके लौट रहे हैं उनका कहना है, और अभी भी लगभग 3 से 3.5 लाख लोग अयोध्या में मौजूद हैं जो आज दर्शन करना चाहते हैं। प्रशासन इंतजाम में जुटा हुआ है, अपील भी बार बार लोगों से धैर्य संयम बनाए रखने को कर रहा है और प्रशासन का सहयोग करने को कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हेलीकॉप्टर से इस वक्त अयोध्या की जो स्थिति है उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद निमेश इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।